subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर के देशों से निराशा हाथ लगी है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान शांत नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा झटका लगने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले हैं। वहीं इस बात को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल गुरुवार को न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए अकबरुद्दीन ने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान जितना नीचे गिरेगा भारत का कद उतना ही बढ़ेगा। वो ठोकरें खाते हैं, भारत ऊंची उड़ान भरता है। उन्होंने कहा कि यूएन में एक देश फिर वही पुराने राग को दोहराएगा। हर देश के पास विकल्प है कि वो वैश्विक प्लेटफॉर्म पर किस तरह खुद को पेश करेगा। कुछ देश अपनी बातों को रखने के लिए नीचा गिर सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि हमारा स्तर ऊपर उठेगा। भारत पहले भी अपने ऊपर उठने के उदाहरण पेश कर चुका है। यूएन में हमारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत भी यही दिखाएगी कि भारत कैसे ऊपर उठेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा उठा रहा हो, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। अब पाकिस्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान चाहे जितना राग अलापना हो अलापे, सुनने वाला नहीं बचा। टीम खबर अपडेट।